हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडर बैंकिंग। इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, वो है करंट अफेयर्स मींस गेम चेंजर। सच में इस सेक्शन ने मेरे लिए तो गेम चेंजर का ही रोल प्ले किया था। आजकल के एग्ज़ाम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर्स है उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाने लगे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये स्कोर बूस्टर सेक्शन है एंड आपका मेंस का स्कोर अप करेगा, तो प्लीज़ एंड मींस आपके सिलेक्शन की तरफ ही आपको लेके जाएगा। तो करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली 3 to 4 hours करंट अफेयर्स को देने हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर किया था। करंट अफेयर्स में मुझे 26.50 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 40 एंड इस बार IBPSPO मेंस का जो पेपर था उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन क्वाइट टफ आया था, तो मुझे अबव एवरेज मार्क्स मिले हैं। तो वो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्टडी IQ की डेली वीडियोस है ना, वो करनी है गौरव गर्ग सर की डेली वीडियो, वीकली वीडियो एंड वीकली जो करंट बैंकिंग की वीडियो आती है वो भी। उसके बाद आपको अड्डा 247 की डेली न्यूज़ देखनी है एंड डेली क्विजेस प्रिपेयर करने हैं वहाँ से, एंड आपको ग्रेडअप की वीकली PDF एंड डेली की न्यूज़ भी देखनी है, डेली के क्विजेस भी लगाने हैं एंड आपको अफेयर्स क्लाउड के वीकली क्विज लगाने हैं। अब आपको लगेगा कि बहुत सारे सोर्सेस हैं, इतना हम कैसे कर लेंगे। जब आप इतना करेंगे तभी जाके आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। देखिए, आपने अड्डा का जो डेली की न्यूज़ पढ़ी एंड डेली का क्विज़ लगाया और फिर उसके बाद सेम डे का आपने ग्रेड अप का डेली का क्विज़ लगाया एंड डेली की न्यूज़ पढ़ी, 4 to 5 to 6 न्यूज़ तो उसमें कॉमन ही हो गई ना। बस आपको 2-3 न्यूज़ डिफरेंट मिलेगी दोनों चैनल्स में, ओके। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, मुझे अगस्त का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, तो मैं कैसे करूँगी, अगर मैं day 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो day 1 को मैं अपना सबसे पहले अड्डा का जो डेली न्यूज़ है वो देख लूँगी एंड अड्डा का क्विज़ लगा लूँगी। उसके बाद मैं गौरव गर्ग सर की जो डेली वाली वीडियो आती है उसको देख लूँगी एंड उसके PDF पढ़ लूँगी। फिर रात में मैं क्या करूँगी कि जो ग्रेडअप्स होते हैं टाइम पे, ग्रेडअप की डेली क्विज़ लगा लूँगी एंड उसकी डेली न्यूज़ पढ़ लूँगी। इससे क्या होगा कि सेम डे का मैंने 3 सोर्सेज से पढ़ लिया तो मुझे एक अच्छा सा रिवीजन हो गया एंड बिल्कुल अच्छे से याद हो गया एंड जो 2-3 न्यूज़ वरी कर रही थी अलग अलग, मुझे वो सारी न्यूज़ मिल गई एंड कंबाइंड मेरे पास सब कुछ आ गया। एंड मैं क्या करूँगी, अगस्त के लिए week 1 का ग्रेडअप का PDF कंप्लीट करूँगी एंड मैं क्या करूँगी, स्टडी IQ का जो गौरव गर्ग सर का आता है वीकली वीडियो उसको प्रिपेयर करूँगी एंड वीकली बैंकिंग वीडियो आता है उसको भी प्रिपेयर करूँगी। ऐसे मैं पूरे मंथ के ग्रेडअप के 4 PDF एंड गौरव गर्ग सर के जो 7-8 वीडियो आते हैं उनको पूरा देखूँगी एंड मैं अड्डा के डेली क्विजेस तो लगा ही रही थी वो एंड ग्रेडअप के डेली क्विजेस लगा रही थी वो एंड अफेयर्स क्लाउड के वीकली टेस्ट आते हैं। 4 टेस्ट मिलेंगे एक मंथ में आपको, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो 200 क्वेश्चंस हमारे वहाँ से प्रिपेयर हो गए। अब मुझे अगर अगस्त मंथ का रिविज़न करना है तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि स्टडी IQ की जो 4 वीडियोज़ हैं मैं उनको फिर से देख लूँगी एंड उनकी PDFs पढ़ लूँगी एंड जो सर के बैंकिंग वाली वीडियोज़ हैं मैं उनको भी कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं अड्डा की डेली न्यूज़ तो नहीं पढ़ सकती दोबारा से, बट मैं अड्डा के डेली क्विजेस को लगा लूँगी एंड ग्रेडअप की जो 1 month में 4 PDF आती है उन 4 PDF को कंप्लीट कर लूँगी एंड ग्रेडअप के डेली क्विज को फिर से लगा लूँगी। आपको भी पता है क्विजेज़ लगाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ रहे होते हैं तो आपको एक क्विज कंप्लीट करने में हार्डली 1 या 2 मिनट लगता है, ओके। एंड मैं क्या करूँगी, अफेयर्स क्लाउड के जो मैंने वीकली टेस्ट लगाए थे 50-50 क्वेश्चन के, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए थे, उनको मैं एक बार फिर से लगा लूँगी
इतना आपको करना है। अगर आप किसी भी एक महीने के लिए इतने सारे सोर्सेज से अगर आप अपनी करंट अफेयर के सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके मेंस एग्ज़ाम में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्टली मुझे सारे मेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी, तो आप भी यही स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मैं मल्टीपल रिवीजन पर विश्वास रखती हूँ, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आपको आंसर्स ऐसे आने चाहिए कि आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना ही पड़े। मुझे अपने पीओ मेंस के एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर आ रहे थे। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको ऐसे ही करनी है कि आपको सब कुछ ऑन टिप ऑफ टंग हो, आपको सब कुछ पता हो कि इस मंथ में क्या हुआ है। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, यह आपका स्कोर बूस्टर सेक्शन है। और जो स्टैटिक बैंकिंग का सेक्शन है, वो पोर्शन है, वो मैंने सुष्मिता मैम के वीडियो से किया था। वाईफाई स्टडी पे आपको सुष्मिता मैम के वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली थी, आरबीआई के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, ये सारी चीज़ें। वैसे तो पीओ मेंस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट मुझे ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। बट मैंने बेसिक कर लिया था सेफ साइड में रहने के लिए। एंड स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को आप अभी से वन या फिर हाफ आवर देना स्टार्ट कर दें, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसकी कवर कर लें, लाइक बैंक टैगलाइंस, हेडक्वार्टर्स, सीईओ एंड एमडीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, डैम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, उनके हेडक्वार्टर और उनके चीफ, और इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, कैपिटल, सीएम, गवर्नर। इसमें से हमें चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन मिल ही जाए। एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पास्ट में देखा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लें। इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर्स, मेजर एयरपोर्ट्स एंड मेजर सीपोर्ट्स। हो सकता है कि कुछ टॉपिक मुझसे मिस हो रहे हो, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, आप इन सब टॉपिक को अच्छे से कर लें। तो मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक बैंकिंग के लिए एंड स्टैटिक जीके के लिए। अगर आप इसी तरीके से अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज़, ये सच में गेम चेंजर सेक्शन है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो करंट अफेयर्स के जो लास्ट में कैप्सूल्स आते हैं ना, बस उनको पढ़ के चले जाते हैं। वो पढ़ के तो अच्छे से जाते हैं, बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमने लास्ट में पढ़ा हुआ होता है तो सब कुछ मैशअप हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है या फिर ई है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, करंट अफेयर्स को स्टार्टिंग से पढ़ के चलें, एंड टाइम के लिए ना बैठे रहें। ओके, चीज़ और करंट अफेयर्स में प्लीज़ आप तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें। कि क्या होता है ऐसा करने से कि हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ए और बी में, कि ए होगा बी होगा, ए होगा बी होगा, और ऐसे करके हम 8-10 क्वेश्चन कर देते हैं, और क्या होता है कि इससे हम माइनस मार्किंग में चले जाते हैं और हमारा स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बस आप एक या दो ही लगा सकते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि इसका ऑप्शन ए है, बी है या फिर जो भी है, बट प्लीज़ एक दो से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका स्कोर नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव मीन टू से काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि हमें आपको भी पता है बैंक एग्ज़ाम में एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है। मुझे तो बहुत बार एक्यूरेसी के ही +1 +2 मार्क मिले हैं, आप लोगों को भी मिले होंगे। सो प्लीज़ एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ऐसे तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें। अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मैं करंट अफेयर्स के सेक्शन को डेली का 3-4 hours देती थी, एंड जैसे जैसे मेंस की डेट नियर आती थी, मेरा ये 3-4 hours 7-8 hours में भी कन्वर्ट हो जाता था। एंड मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम स्केड्यूल है सारे सेक्शन का, वो 13-14 hours में कन्वर्ट हो जाता था जैसे जैसे एग्ज़ाम प्रेशर बढ़ता था। तो आपको भी आपके प्रीलिम्स के बाद करंट अफेयर्स को डेली का 3-4 hours देना है, एंड जैसे जैसे मेंस की डेट नियर आएगी वैसे आपके ये आवर्स चेंज होते जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको
फील होगा कि अगर आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर गेन करते हैं तो फिर आप कितना ज़्यादा सेफ साइड में हैं अपने सिलेक्शन को लेके। सो प्लीज़ फोकस ऑन करेंट अफेयर्स, बहुत अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एंड बिल्कुल भी लापरवाही मत रखिए और अभी से करेंट अफेयर्स को डेली का 2-3 आवर्स देना शुरू कर दीजिए। 2 आवर्स तो मिनिमम आपको देना ही है अभी प्रीलिम्स के साथ करेंट अफेयर्स को। और जब आपका प्रीलिम्स को 7 डेज बचेंगे ना, लास्ट 7 डेज, उस टाइम पे आप करेंट अफेयर्स को बस आधा घंटा पढ़िएगा एंड पूरा फोकस अपना बस प्रीलिम एग्ज़ाम में करना। करेंट अफेयर्स को उस टाइम आपको जो डेली की न्यूज़ होती है ना, स्टडी IQ या फिर अड्डा और ग्रेड अप, बस डेली वाली न्यूज़ आप कंप्लीट करते चलना कि फिर आपका 7 डेज़ का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस आधा घंटा घंटा आपको करते हुए चलना है। बाकी आपको पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स पे करना है लास्ट 7 डेज़ में। और जो लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं ना, उनमें आपको करेंट अफेयर्स को भी नहीं पढ़ना है, ओनली आपको फोकस करना है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ओके, तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन। अब हम अपने इंग्लिश के सेक्शन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। ये जो सेक्शन है वो एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी सारी कट ऑफ्स क्लियर हो जाती है बट इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमें इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है एंड प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इंग्लिश के लिए हमें क्या क्या करना है। आप सभी को पता है कि जो बैंक की इंग्लिश है उसका जो बेसिक है वो क्या है, रीडिंग। आपकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो हमें अपनी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कैसे अच्छी करनी है, आइए। जैसे डेली मॉर्निंग में हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते, वैसे ही हमारे दिन की शुरुआत द हिंदू के डेली एडिटोरियल से होनी चाहिए। मीन टू से ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले उठ के द हिंदू का डेली एडिटोरियल करें, काफ़ी लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी करते होंगे, बट डेली का हमें एडिटोरियल कंप्लीट करना है, उसे स्किप नहीं करना है। मैं कैसे करती थी एडिटोरियल, मैं यूट्यूब पर विशाल सर की वीडियोज़ से करती थी, वहाँ पे जो उनका शो आता है डेली एडिटोरियल का, वहाँ से मैं सबसे पहले विशाल सर की वीडियो ओपन करती थी, वहाँ से सर ने जो वोकैब्स कराई हैं उनको 2-3 बार अच्छे से कर लेती थी, फिर देखती थी सर ने आज कौन कौन से एडिटोरियल पिक किए हैं। फिर उसके बाद मैं उनकी वीडियो बंद करती थी एंड द हिंदू का एडिटोरियल वाला पेज ओपन करती थी एंड वो एडिटोरियल्स खुद से कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं वापस सर की वीडियो पे जाती थी एंड देखती थी सर ने उन एडिटोरियल्स को कैसे समझाया और मैंने उन एडिटोरियल्स को क्या समझाया, वहाँ मुझे अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ हो जाती थी। तो आपको ऐसे ही एडिटोरियल कंप्लीट करना है अपना एंड इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। एंड एक चीज़ और, आपको क्वालिटी स्टडी पर फोकस करना है, क्वांटिटी स्टडी पर फोकस नहीं करना है। मीन टू से कि अगर आपका एडिटोरियल वाले पेज पे 4-5 एडिटोरियल्स हैं और आपको अगर पढ़ना है, आप एक पढ़िए, आधा पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए कि आप उसको अपनी रफ़ नोटबुक पे समराइज़ कर सकें। हम क्या करते हैं, कभी कभी माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें हाँ एडिटोरियल कंप्लीट करना है, और पढ़ते चले जा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि हमें समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप जितना भी पढ़िए क्वालिटी पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, मतलब मीन्स जो आपने पढ़ा है आपको आता है, बस ये माइंड में आप सेट करके रखिए। ओके, तो आप इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी रफ़ नोटबुक में उस एडिटोरियल को समराइज़ भी कर लेंगे तो हमारे राइटिंग सेक्शन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ओके, तो आपको ऐसे ही एडिटोरियल करना है। बाकी जो रीडिंग एंड वोकैब्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप IBPS PO मेंस या क्लर्क किसी का भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम में जैसे 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 35 क्वेश्चंस, तो आपको 30 प्लस जो मार्क्स है ना वो वोकैब एंड रीडिंग जो है उससे आ जाएंगे। तो आपको वोकैब एंड रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अपनी ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन है वो मैंने नीतू मैम की जो पैरामाउंट वाली बुक है उसका Volume 1 पार्ट कंप्लीट किया था। ये मैंने जब मैं अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, बेसिक प्रिपरेशन, तभी मैंने ये ग्रामर क्लियर कर ली थी। आपको भी ग्रामर 1 टाइम में क्लियर करनी है, एक बार कर लीजिए, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार ग्रामर आप ज़रूर कर लीजिए। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बेसिक रूल्स आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे आपको भी फील हुआ होगा कि फिलर्स में या फिर एरर डिटेक्शन में तो हमें ग्रामर हेल्प करती ही है, फिलर्स में काफ़ी बार हमें समझ नहीं आती कि ये वोकैब है क्या, मीनिंग टफ आ जाती है।
तो हम अपने ग्रामर के सेंस से मीन्स कि यहाँ नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा कि एडवर्ब आएगा, वो फिलर कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए आप प्लीज़ एक बार ग्रामर पढ़ लें। अभी अगस्त लास्ट है एंड सितंबर एंड अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स है, नवंबर में मेंस है, तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप रोज़ आधा घंटा भी ग्रामर को देते हैं तो भी ये सारे टॉपिक्स आपके 1 मंथ में कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार इनको कर लें। अब हमें कैसे करना है, सपोज़ मैंने टॉपिक ले लिया आज प्रोनाउन, सबसे पहले मैं आज उनके बेसिक रूल्स देख लूँगी एंड नेक्स्ट डे मैं उसका रिवीजन कर लूँगी एंड चैप्टर को जितने भी रूल्स हैं सब कंप्लीट कर लूँगी। एंड उसके नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, वो जो एक्सरसाइज दी होती है ना, इस बुक में एक्सरसाइज भी दी गई है, वहाँ से वो एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लूँगी। एक एक बार आपको सारे चैप्टर्स के लिए ऐसे कर लेना है। एंड जैसे कि टेंस, उसमें तो आपको टाइम लगेगा बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको तो आप क्लियर करके जाए ही जाएँ। ओके, तो ऐसे आपको आपकी ग्रामर प्रिपेयर करनी है। और आपकी ग्रामर कहाँ से प्रिपेयर होगी, जब हम मेंस के मॉक लगाएंगे ना, मीन टू से अगर आपको मेंस का मॉक देना, आपने सबमिट कर दिया एंड इंग्लिश के सेक्शन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सॉल्यूशन में वो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वहाँ से आपके जब आप रूल्स पढ़ेंगे ना, जब हम गलती करके और ग्रामर के रूल्स जो हैं वो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें और अच्छे से लर्न हो जाते हैं। ओके, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उन रूल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो मेंस के मॉक में हमें एरर डिटेक्शन में मिलते हैं। बाकी मेंस के मॉक में आपको काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे वो कैप्स के, तो आपको क्या करना है कि वो जो न्यू वर्ड्स हैं, मीन टू से अगर आपको 15 to 20 न्यू वर्ड्स मिले तो आपको सारे नहीं बट 5 to 6 वर्ड्स अपनी डायरी या फिर रफ नोटबुक पर लिख लेना है। अब आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम अपनी नोटबुक या फिर डायरी को रिवीजन कर सकें। आपको उसको रिवीजन नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम हो तभी आप रिवीजन करिए वरना मत करिए। अगर हम कोई भी वर्ड लिख लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है, इसलिए आपको उन वर्ड्स को लिख लेना है। एंड 5 to 6 वर्ड्स लिखने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड ऐसा आप डेली बेसिस पर करते चलिए। कुछ कुछ वर्ड्स रोज़ लिखिए जो आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रह जाएंगे। ओके, एंड आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है अड्डा 247 की क्विजेस से, प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस से, ग्रेड अप की क्विजेस से एंड ऑलिव बोर्ड की क्विजेस से। इन सब से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, उस डेली एक या दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इन क्विजेस से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है तो ठीक है, इन केस आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है गवर्नमेंट अड्डा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विजेस, वहाँ पर बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्विजेस हैं, आप वहाँ से डेली प्रैक्टिस करिए RC की। ओके, एंड जो मेंस के मॉक है ना, जो आप जैसे सबमिट करेंगे, इंग्लिश का सेक्शन लगाएंगे मेंस के मॉक का, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। वो काफ़ी हाई क्वालिटी के मॉक्स हैं ऑलिव बोर्ड के, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए एंड वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो अगर इंग्लिश है ना, उसका बेस क्या है, अगर आपको आप इंग्लिश सेक्शन में अपना स्कोर बढ़ाना है, इंग्लिश में कैसे स्कोर बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस 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 से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। अपनी रीडिंग पर ध्यान दीजिए, अपने वोकैब्स पर ध्यान दीजिए एंड प्रैक्टिस करते जाइए तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे मैंने अभी ये स्ट्रेटेजी डिस्कस की है इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश का सेक्शन ऐसे प्रिपेयर करते हैं तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश के सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप इंग्लिश को डेली का 3 आवर्स ज़रूर दें। एंड अगर आपको इंग्लिश की और प्रैक्टिस करनी है तो आप कहाँ से करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ पर आप आंचल मैम, विशाल सर एंड निमिषा मैम, इनके वीडियो से भी आप अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इंग्लिश पर, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। इस वीडियो के PDF की लिंक आपको बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इफ आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझसे ऐड होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वंडर बैंकिंग, फेसबुक पेज वंडर बैंकिंग एंड जीमेल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग कोई भी डाउट हो या आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वहाँ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।